नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बिश्नोई गैंग एक बार फिर से चर्चाओं में है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम खूब लिया जा रहा है। वजह है एनसीपी नेता और सलमान खान के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी का मर्डर। इस मर्डर ने सभी को चौंका दिया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर बाबा सिद्दीकी को कौन मार सकता है। फिर सामने आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसने इस मर्डर की जिम्मेदारी ले ली है। जी हाँ, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा को भी बढ़ाना पड़ गया है। बाबा सिद्दीकी की मौत और सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई जाने के पीछे कई राज बताए जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत ज्यादा करीबी थे। ऐसे में जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया तो कहा जा रहा है कि सारे तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की खास दुश्मनी सलमान खान से ही है। ऐसे में सलमान खान के करीबी को जान से मारने की नीयत के पीछे असल वजह क्या होगी, ये बात आप खुद जान सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आखिर सलमान खान ही क्यों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है, तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये नाम कई सालों से क्राइम की दुनिया में लिया जाता है। लेकिन पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इसने आतंक का नया अध्याय लिखना शुरू किया। अब फिर एक बार बिश्नोई गैंग चर्चाओं में है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि बाबा सिद्दीकी और सलमान की दोस्ती की वजह से उनकी हत्या कर दी गई और जो कोई भी सलमान की मदद करेगा उसका यही हश्र होगा। बिश्नोई समाज से संबंध रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के पीछे अपने गुर्गों को लगा रखा है। वो लगातार उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। लेकिन सलमान खान ही क्यों, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब मिलेगा समय के पहियों को थोड़ा पीछे घुमा के। बात 1998 की है, ये दुश्मनी भी उतनी ही पुरानी है। सलमान खान मूवी हम साथ साथ है की शूटिंग पर थे, जहां उन्होंने दो काले हिरणों का शिकार किया था जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सलमान खान जेल में भी रहे। वहीं बिश्नोई समाज काले हिरणों की पूजा करता है। ये समाज सलमान से लंबे समय से नाराज चल रहा है। बिश्नोई समाज ने ये भी कहा था कि अगर सलमान खान माफी मांग ले कि उन्होंने ऐसा किया तो हम माफ कर देंगे, मगर सलमान खान ने ऐसा नहीं किया और नाराजगी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दुश्मनी में तब्दील कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई का संबंध बिश्नोई समाज से ही और वो एक गैंगस्टर है। उसने अपराध जगत में अपना कदम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही रख दिया था, जब उसकी मुलाकात एक दूसरे गैंगस्टर गोल्डी बराज से हुई थी। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है। बताया जाता है कि इस पूरे गैंग में 700 से ज्यादा लोग हैं, जिसमें से सैकड़ों लोग शार्प शूटर हैं। काला हिरण केस के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कोर्ट परिसर में ही कहा था कि वो सलमान खान को मार डालेगा। उसके बाद अब तक उसके लिए काफी कोशिश भी कर चुका है और धमकी भी दे चुका है। कुछ समय पहले सलमान खान के पिता सलीम खान को भी धमकी दी गई थी। इसके अलावा भी कई बार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, घर में आग लगाना जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ चुका है और जिस तरीके से गैंग लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है, इससे पहचाना जा सकता है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। हालांकि प्रशासन इस पूरी घटना को किस तरीके से लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।